नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल पे। दोस्तों, इंसानों के अंदर एक प्रवृत्ति होता है कि वह हर समय सोचता है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए। जैसा कि आप इमेजिन कर सकते हो कि हम लोगों ने घोड़ा से स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते गए और हम लोगों ने मोटर बाइक बनाई, कार्स बनाई, एरोप्लेन बनाया, ड्रोन बनाए। दोस्तों, तो बोलने का सेंस यह है कि हम हमेशा कोशिश करते हैं आगे बढ़ने का। अब आते हैं इंडिया पे। दोस्तों, अगर हम आपसे पूछे कि इंडिया में वो कौन सी ऐसी पहली कार थी जिसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ने वर्क किया था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की स्कॉर्पियो। जी हाँ, 2007 में रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम नासिक में वर्क किया था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सक्सेसफुल रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हो, टाटा मोटर्स और महिंद्रा काफ़ी बढ़िया काम कर रही है और आने वाले समय में, जैसा कि आपको भी पता है, कुछ अच्छा दिखने की संभावना और हमें लग रही है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो काम किया है अपने कंट्री के लिए और जिस तरह से वो वर्क करते जा रहे हैं अपने सेफ्टी पर, अपने क्वालिटी पर, अपने सर्विस पर, और सेम विद द महिंद्रा, मुझे लगता है कि वोकल फॉर लोकल जो इनिशिएटिव उन्होंने स्टार्ट किया है वो सक्सेस जरूर होगा। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है कि महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स क्या आने वाले फ्यूचर में और भी बढ़िया काम करेगी? अगर आप भी महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स के फ़ैन हैं और अगर आपके पास भी उसकी गाड़ी है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि महिंद्रा एंड टाटा मोटर्स आने वाले फ्यूचर्स में होंडा एंड मारुति को पछाड़ के हमेशा के लिए ऊपर में ही रूल करेंगे अपने कंट्री में। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।